तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान के डे 13 की फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अर्ली एस्टिमेट की प्रिडिक्शनेबल रिपोर्ट आ चुकी है पूरी तरीके से। कल ओवरऑल डे में कितनी ऑक्यूपेंसी रही, कितनी कमाई करी, नेट कलेक्शन से कितनी करी, क्रॉस कलेक्शन कितना रहा, पूरी दुनिया से कितना आया, ओवरसीज से कितना आया, सब बातों पर डिटेल टू डिटेल एक कर कर चर्चा करेंगे। और अभी तक कितनी मूवी को ये खदेड़ चुकी है और फास्टेस्ट ग्रॉसर अभी तक की ये मूवी कैसे बन गई है और KGF 2 के लाइफ टाइम हिंदी कलेक्शन के रिकॉर्ड को खदेड़ दिया है या नहीं खदेड़ दिया है, और दूसरी बात कि 450 करोड़ के आंकड़े में ये कौन से नंबर पर है, पहले दूसरे या तीसरे, सारी बातों पर अभी डिटेल टू डिटेल चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर शाहरुख खान के डाई हार्ट फैन है तब। तो शुरुआत करते हैं। कल मॉर्निंग में 15% की ऑक्यूपेंसी रेट थी, उसके बाद इवनिंग में 30% रही है और आफ्टरनून में अराउंड 23% के आसपास ऑक्यूपेंसी पहुंच चुकी थी। नाइट में थोड़ा कम होती है, एज यूजुअल 26% की ऑक्यूपेंसी थी। तो ओवरऑल डे की ऑक्यूपेंसी रही है थिएटर हाउस में, सिनेमा घर में, और कुछ कुछ जगह इवनिंग में तो काफ़ी हाउसफुल शोज के बैनर के साथ मूवी लगातार ट्रेंड करी है। तो ओवरऑल डे की ऑक्यूपेंसी रही है फुल डे की 22%। इसी के साथ हिंदी से कल फुल डे मूवी ने एंड ऑफ द डे तक लगभग 12 करोड़ की कमाई करते नजर आई है। तमिल से 70 लाख का जबरदस्त कलेक्शन करते नजर आई है और तेलुगु से 1 करोड़ प्लस के आंकड़े को अपने खाते में रखते नजर आई है। क्लियर अभी रिपोर्ट आई नहीं है, ऑफिशियल रिपोर्ट जब आ जाएगी तब उस पर एक नई वीडियो बना दी जाएगी। ये अभी एजम्पशन रिपोर्ट है, प्रिडिक्शनेबल रिपोर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हवा हवाई बातें हैं, ये पूरे आंकड़े टच करते हैं, पूरी सिमिलैरिटी देके आते हैं बिल्कुल। तो इसी के साथ अगर मैं तीनों लैंग्वेज का बताऊँ, हिंदी तमिल तेलुगु से कल फुल डे नेट इंडियन कलेक्शन कितना आया है, 14 करोड़ का। और ग्रॉस कलेक्शन कितना आया है कल फुल डे ग्रॉस इंडियन कलेक्शन, 17 करोड़। और ओवरसीज से ये मूवी कम से कम 5 करोड़ के आसपास कवर अप करते नजर आई है। तो टोटल पूरी दुनिया का हो जाएगा अपने 13वें दिन में मूवी का एंड ऑफ द डे तक 22 करोड़ के आसपास, ये मिनिमम आंकड़ा है, इससे ज़्यादा ही आएगा। तो अभी तक पहले 13 दिन में मूवी कितनी कमाई कर चुकी है हिंदी से, नेट इंडियन से और पूरे वर्ल्ड से, तो पहले 13 दिन में सिर्फ हिंदी से मूवी 456 करोड़ के आंकड़े को अपने नाम कर चुकी है और पहले 13 दिन में ही नेट इंडियन कलेक्शन से तीनों लैंग्वेज को मिलाकर मूवी 507 करोड़ के जबरदस्त आंकड़े को अपने खाते में रख चुकी है। और पहले 13 दिन में ही ऑल ओवर वर्ल्ड से कमाया है मूवी ने कल एंड ऑफ द डे तक 905 करोड़ का ह्यूज ह्यूज कलेक्शन। भाई साहब, मात्र 13 दिन में ही 900 करोड़ के जबरदस्त आंकड़े को अपने नाम किया है फास्टेस्ट ग्रॉसर। भाई साहब, मेरे को जहां तक याद है कि बॉलीवुड की अगर कोई मूवी इतनी तेजी से कलेक्शन करके गई थी वो पठान करके गई थी, जो 1000 करोड़ कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन उस मूवी ने लगभग 20 से ज़्यादा दिन लगा दिए थे या 20 के आसपास दिन लगा दिए थे, इतना मुझे अच्छे से क्लियर पता है नहीं 1000 करोड़ कंप्लीट करने में, लेकिन ये मूवी मुझे लग रहा है कि 20 दिन से पहले ही इस सैटरडे तक या फिर संडे तक, इस सैटरडे तक मैं मान के चल रहा हूँ 1000 करोड़ के आंकड़े को टच कर लेगी, क्योंकि सिर्फ मात्र 95 करोड़ का आंकड़ा बचता है और आज है वेडनेसडे बुधवार, तो अभी बृहस्पत है, शुक्र है, शनि है, तो शनिवार को हाई जाता है कलेक्शन, ये आप सब जानते ही हैं, उसके बाद संडे को भी हाई जाता है, तो संडे एंड तक ये मूवी 1000 करोड़ टच करके जाएगी। दोस्तों देखा जाए तो आज 14वें दिन में भी अच्छी खासी कलेक्शन करते नजर आ रही है मूवी, और एडवांस से ही कल के मुकाबले आज ज़्यादा एडवांस बुकिंग अपने खाते में रखी, हालांकि थोड़ा सा है पर अच्छा खासा बुकिंग अपने हाथ में ले रखा है एडवांस से। तो कल के 13 दिन की आज अगर जब ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी तो मेकर्स 900 करोड़ का पोस्टर जरूर रिवील करेंगे और धमाकेदार तरीके से रिवील करेंगे, क्योंकि मात्र 13 दिन के अंदर 900 करोड़ कंप्लीट करना एक बॉलीवुड मूवी के लिए, हिंदी मूवी के लिए ह्यूज अचीवमेंट है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अर्ली एस्टिमेट की रिपोर्ट है, फ्लेक्सिबल है, जब फाइनल ऑफिशियल रिपोर्ट आ जाएगी तो उस पर एक नई वीडियो अलग से बना दी जाएगी। इसी के साथ मैं अगर बताऊं तो जवान सिर्फ 13 ही दिनों में 450 करोड़ के आंकड़े को टच करने वाली पहली मूवी बन चुकी है अभी तक की, जिसने गदर 2 को खदेड़ दिया, पठान को खदेड़ दिया, बाहुबली 2 को खदेड़ दिया, जो फास्टेस्ट 450 करोड़ के आंकड़े को टच करी थी अपने ग्रोइंग डे में। लाइक मैं अगर बताऊं तो गदर 2 ने 17वें दिन में
करोड़ के आंकड़े को टच कर दिया था और पठान ने 18वें दिन में इस आंकड़े को टच कर लिया था। बाहुबली 2 ने हिंदी से इस आंकड़े को, मतलब हिंदी कलेक्शन की बात चली, सिर्फ फास्टेस्ट हिंदी से 450 करोड़ का कलेक्शन के बारे में बात चली। तो बाहुबली 2 ने 20 दिन लगाए थे इस आंकड़े को अपने नाम करने के लिए, लेकिन जवान ने मात्र 13 दिन में ही इस आंकड़े को अपने नाम कर लिया है, इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर। तो इसी के साथ जवान अभी तक के सभी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तो तोड़ ही चुकी है, सभी रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं और फास्टेस्ट ग्रॉसर मूवी बनकर उभर रही है बॉलीवुड की हिंदी सिनेमा की, और हिंदी बेल्ट में कलेक्शन के मामले में नंबर 1 तो ये चल ही रही है, जिसने सिंगल डे में 70 करोड़ का कलेक्शन किया है, 65 करोड़ का कलेक्शन किया है, ये ह्यूज ह्यूज सिर्फ हिंदी से किया है। और बाय गॉड, हिंदी से इतनी बड़ी कलेक्शन सिंगल डे में कोई मूवी आज तक कर नहीं पाई है। फास्टेस्ट 500 करोड़ की कमाई करी, फास्टेस्ट 700 करोड़ में घुसी, फास्टेस्ट 900 करोड़ में आज, मतलब 13वें दिन में घुस गई है। तो बाय गॉड, ये मूवी इस संडे एंड तक 1000 करोड़ टच कर ही जाएगी। अब आप लोग बताएंगे कि इस संडे तक कर जाएगी या नहीं कर जाएगी या और भी टाइम लेगा। तो यहाँ तक करते हैं एंड, और बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।